लड़ाई हुई और क्या मतलब है, जिनको आजादी की लड़ाई से लेना देना नहीं था, जिनके संगठन का आरएसएस का कोई योगदान रहा उसमें, और उससे रिलेटेड लोग ये सब काम करें, कोई मतलब है क्या? आज जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी तो हम लोग तो सब भाई इसी सबसे बचपन से, हमारे पिता आजादी की लड़ाई में थे और उसी समय बचपन में जो जन्म तो हम लोगों का हुआ आजादी के बाद, लेकिन एक एक बात बताए थे, एक एक चीज को जाने, बाद में एक एक चीज को देख लिया, हर तरह से जाना। तो कभी जो बापू का योगदान है उसको हम लोग कभी भूल सकते हैं? आप जान लीजिए कुछ लोगों के, पूरे देख रहे थे ना मीटिंग में, राष्ट्रपिता तो ये वो कौन बोली, सुने ना फिर अखबार में जो छपा कि अब राष्ट्रपिता छोड़ दीजिए, नए पिता कोई राष्ट्र के हो जाए। आप जरा सोच लीजिए, नए भारत के नए पिता क्या किए हैं भारत के लिए, कुछ काम किए हैं, कहां भारत आगे बढ़ा है, कौन सा काम हुआ है, सिवाय इसके कि नई टेक्नोलॉजी आ गई और उस नई टेक्नोलॉजी का पूरा जबरदस्ती रूप से उपयोग कर जो रहे हैं। और पहले तो मीडिया का व्यवहार दूसरा था, पक्ष विपक्ष जो भी हो अपना राय बहुत अच्छे ढंग से मीडिया के सारे लोग लिखते थे, आज को तो उनको वही लिखना पड़ता है जो कहा जाता है, वही